बिहार के बेगूसराय में 2.5 माह पहले जन्म लिए 400 ग्राम के बच्चे का जिंदा रहना चर्चा का विषय बना हुआ है। बताया जा रहा है कि शहर के एक निजी क्लिनिक में डॉक्टर अभय कुमार के द्वारा 75 दिनों के इलाज के बाद उसकी जान बची है, जो चर्चा का विषय बना हुआ है। बताया जा रहा है कि स्वस्थ होकर बच्चा अपने घर गई गई है। उसे बचाने के लिए कई बार न्यूट्रोनोलॉजी वेंटिलेटर सपोर्ट की जरूरत पड़ी और 5 बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ा। वहीं 400 ग्राम के बच्चे के बारे में ये डॉक्टर ने बताया, 8 महीने पहले इस बच्ची का जन्म हुआ था और उसे डॉक्टर के द्वारा 75 दिनों तक लगातार इलाज किया गया। बताया जा रहा है कि यह बच्चा बिहार के मुंगेर के इलाके के जमालपुर के रहने वाले सुनील कुमार सिंह की पत्नी राखी कुमारी की है। शादी के 12 साल बाद भी मौन नहीं बन पाई थी, लेकिन जब गर्भवती हुई तो काफी खुश थी। हालांकि 6 महीने में ही उसकी बच्ची को नॉर्मल तरीके से जन्म हुआ और उस वक्त बच्ची का वजन सिर्फ 400 ग्राम था, जिसके बाद बच्ची के इलाज के लिए बेगूसराय के डॉक्टर अभय कुमार के क्लिनिक में लाया गया। वहीं डॉक्टर का कहना है कि बिहार में स्वास्थ्य क्षेत्र में ये एक बड़ी उपलब्धि है। सर, बेगूसराय में एक 400 ग्राम के बच्चे को 2.5 महीने तक इलाज करके आपके द्वारा बचाया गया, पूरे बिहार में ऐसा पहला के सामने आया है। कितनी खुशी आपको हर स्वास्थ्य क्षेत्र में इतनी बड़ी उपलब्धि आपको और बेगूसराय को मिली है? जी, एज ए डॉक्टर और एज ए न्यूरोलॉजिस्ट ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि 400 ग्राम के बच्चों को और हम लोगों ने इस रिसोर्स लिमिटेड जगह में हम लोग बचा पाए। बट डेफिनेटली इसमें जो गार्जियन थे उनका भी सहयोग था और बाकी हम लोगों की मेहनत और नर्सिंग स्टाफ की मेहनत रंग लाई और बच्चा सेफ हो पाया। और धीरे धीरे फिर फीड शुरू करना पड़ा। शुरुआत में हम लोग फीड भी नहीं दे सकते थे बच्चे को, तो इसलिए नसों के द्वारा ग्लूकोज, प्रोटीन, फैट और मिनरल्स, विटामिन सारे देने पड़े, जिसको TPN बोलते हैं। ये सारा कुछ तो इनिशियल ट्रीटमेंट जो इस तरह के कमज़ोर बच्चे को, कम समय के बच्चे को देना ही पड़ता है, वो सब दिया गया है। उसके बाद एक रेटिनोपैथी और प्रीमैच्योरिटी होती है, इसे कम समय के कमज़ोर बच्चों को आँख की दिक्कत होती है, उसका लेज़र ट्रीटमेंट डॉक्टर साहब पटना से आए थे वो, लेकिन बेगूसराय में ही ट्रीटमेंट हुआ। दोनों आँखों का आरओपी का ट्रीटमेंट शुरुआत होने से तुरंत हुआ, तो बिल्कुल बढ़िया है उसका आँख अब। और एनीमिया और प्रीमैच्योरिटी होती है, जिसमें शुरुआत में ऐसे बच्चे तुरंत ब्लड नहीं बना पाते हैं आप शरीर में, तो उसके लिए हम लोग 5 बार इनको ब्लड ट्रांसफ्यूज करना पड़ता है। बेगूसराय से न्यूज़ 18 के लिए नीरज।